this campaign for youth. And I can visualize the youth sitting in front of me who are willing to be a part and to be motivated by today's presentation. Experts are here to tell you, but I must initiate what does it mean. Most of you know that this is none of my field. I am pakka historian type of person. But since we are part of the whole system, एक बड़ी मशीन होती है जिसका हर पुर्जा चलता है तब मशीन चलती है, तो भले ही मैं एक छोटा सा एक नट हूं लेकिन वो नट निकल जाए तो मशीन बंद हो जाती है. एवरी पार्ट ऑफ इट. एक अभी कोई बहुत बड़ी टेक्निकल मशीन आई हुई थी हॉस्पिटल में लगाने के लिए, वो कैट स्कैन से भी ऊपर की मशीन थी और वो नहीं चल रही. तो किसी ने पूछा, साहब ये इतनी छोटी सी मशीन की वजह से ये इतनी बड़ी मशीन नहीं चल पा रही है. बोले साहब मशीन भी नहीं, इसका फ्यूज नहीं मिल रहा है और इंडिया में कहीं नहीं मिल रहा, जापान से आएगा. हमारे बच्चों से कहो कि इनका फ्यूज हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक्स में और कुछ प्रोफेसर हैं, मैं उनकी लैब में गया था तो कह रहे थे इतना सा हमें दे दीजिए, हम बना के दे देंगे आपको. वो मोटिवेशन. यू आर ऑल वेलकम तन्वीर सर, अंडर योर guidance, these students will certainly do something miracle. Thank you very much. To throw light on the theme of the program, I would like to request Shri K.C. Meena sir, Assistant Director, MSME DI Jaipur. Respected Govind sir, Chairman, Yuva Education Society. Shukla sir, Pro President, Mewar University. Gopal Sarup ji, ओजा जी जनरल मैनेजर DIC, उपमीचंद जी LDM बैंक ऑफ बड़ौदा. फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा आपको परिचय दे दूं. MSME ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, बेसिकली दो भागों में बांट रखा है इसको. एक जो बड़ी इंडस्ट्री होती है उनके लिए हैवी इंडस्ट्री मंत्रालय है, और जो छोटे उद्योग होते हैं उनके लिए अलग. पहले इसका मंत्रालय था SSI, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और 2006 में पार्लियामेंट एक्ट पास किया, MSME एक्ट 2006, और उसके बाद में उस मिनिस्ट्री का नाम चेंज कर दिया MSME. क्यों किया, इसके बहुत से कारण थे. ओनली पहले था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मतलब एक ही बास्केट में सब लोग, तो उस स्मॉल शब्द को उन्होंने हटा के तीन पार्ट कर दिए, माइक्रो फिर स्मॉल एंड देन मीडियम, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड प्लांट एंड मशीन. एक बहुत बड़ा चेंज जो आया इसमें वो ये आया कि पहले इंडस्ट्री शब्द था, उस इंडस्ट्री शब्द को हटा के एंटरप्राइज शब्द उपक्रम वो लेके आए. क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि इंडस्ट्री रेफर ओनली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, not include service sector. MSME एवं मेवाड़ यूनिवर्सिटी के संयुक्त प्रयास से इंडस्ट्रियल मोटिवेशन यूथ के लिए आज आयोजित किया गया है. मैं MSME के अधिकारियों को एवं मेवाड़ यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं. मंच पर विराजमान आदरणीय मीणा साहब, प्रो VC साहब, श्री शुक्ला साहब, मार्बल उद्योग संघ के अध्यक्ष श्री गोपाल स्वरूप जी ओझा, GM DIC राहुल देव सिंह जी, तन्वीर अहमद साहब, और जयपुर से पधारे हुए सारे अधिकारीगण और प्यारे स्टूडेंट्स, सबका स्वागत है. यदि यूथ हमारे जो रिसोर्सेज हैं
उन रिसोर्सेज को उपयोग करते हुए हमारे देश की जीडीपी और हमारे देश की ग्रोथ को बढ़ाता है, तो नो डाउट विद इन 10 ईयर्स में मैं दावे के साथ कहता हूं, यदि आप सब सच्ची लगन और मेहनत से जुड़ जाएंगे देश के रिसोर्सेज के द्वारा उत्पादन पैदा करने के लिए, तो सारी कंट्रीज वर्ल्ड की आपको सलाम करेगी। और इसी में मेवाड़ यूनिवर्सिटी प्रयास कर रही है, इनके प्रोफेसरगण आदरणीय शुक्ला साहब के गाइडलाइन में और हमारे चेयरमैन अशोक गदिया की विजिलेंस से हम इसी में लगे हुए कि हमारा यूथ यहां से जो पढ़ के जा रहा है वो आत्मनिर्भर बने और आत्म किसी नौकरी की तलाश नहीं करें। जैसे मीणा साहब ने कहा हमारी टाइम पर राज्य सरकार नौकरी देने के लिए तैयार थी, केंद्र सरकार नौकरी देने के लिए तैयार थी, प्राइवेट इंटरप्रेन्योर्स तैयार थे, जहां हमको अच्छा ऑप्शन लगा हमने नौकरी ज्वाइन कर ली। लेकिन आज नौकरी 100 है, बैठते 10,000,00,000, इसलिए नौकरी की आप तलाश मत करिए। आपको स्वयं को आत्मनिर्भर बनना है, स्वयं को एंटरप्रेन्योर बनना है। जितना आप नई टेक्नोलॉजी के साथ नए इनोवेशन के साथ जुड़ेंगे आप आत्मनिर्भर बनते जाएंगे, आप मेहनत करेंगे निश्चित सफलता आपको प्राप्त होगी, इसमें कोई शक ही नहीं। जो गोल है तो उसी से प्राप्त हुए, अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों के, अच्छे अच्छे एंटरप्रेन्योर्स के, आप उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़िए, लाइब्रेरी में जरूर पढ़ना चाहिए उन्होंने कैसे प्रोग्रेस की। हमारे यहां हमारे साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने, हमारे इंजीनियर्स ने बेस्ट से बेस्ट की एक लेबोरेटरी बहुत शानदार प्रयोगशाला बना रखी है। हर वेस्ट का कैसे बेस्ट बनाया जा सकता है वो इन्होंने बना रखा है, उसको आप जरूर देखिएगा। हमारे बच्चे किस प्रकार से वेस्ट का बेस्ट बना रहे हैं, यानी आज रिसाइकलिंग का जमाना। आज कोरोना काल में कई लड़कों ने, कई बच्चों ने, कई अनएम्प्लॉयड ने रिसाइकलिंग किया है, जो वेस्टेज इस चीज का उपयोग किया है जिससे पॉल्यूशन भी खत्म हुआ है और उपयोग में भी सामान आया। और हमारे पहले करते थे हमारे बाप दादा बुजुर्ग, हमारी माता है, कुटीर उद्योग धंधा, घर बैठे बैठे एक चीज को भी वेस्ट नहीं जाने देते। यदि आप एक चीज को भी वेस्ट नहीं जाने दोगे निश्चित अपना देश आगे बढ़ जाएगा, गारंटेड आगे बढ़ जाएगा। तो कई सब प्रकार की आपको मोटिवेशनल बातें बताई जाएगी और आप लगन से, दिल से सारी स्कीम्स को समझना, जो मन में क्वेश्चन है वो जरूर पूछना। सबसे बड़ी कमी ये होती है स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो पूछते हैं बोलो भाई आपको क्या पूछना है, पूछते ही नहीं। आपको पूछना चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, तब जाके आपका नॉलेज बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करिए। आपने मुझे बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। About how to be self-employed, how to be self-dependent to achieve the target, and how to be honest for ourselves. Thank you, sir. Marble Udyog Sansthan Jaipur for his motivational lecture. Thank you. मैं समीर जयपुर से पधारे सभी साहबान और प्रो प्रेसिडेंट मेवाड़ यूनिवर्सिटी शुक्ला साहब, गोविंद जी भाई साहब मेवाड़ एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन, राहुल देव सिंह जी GM DIC और मेवाड़ यूनिवर्सिटी के सभी फैकल्टी मेंबर और स्टूडेंट्स। स्टूडेंट के लिए सबसे पहले जो मेरे पूर्व जो वक्ताओं ने जो भी बात कही है बहुत ही सोचने की है, क्योंकि आपका भविष्य जो है उसके निर्धारित मतलब उसके निर्धारण करता आप खुद ही हैं। तो आप पहले तो सबसे पहले यह डिसाइड करें कि आपको क्या करना लाइफ में। जैसे एजुकेशन प्राइमरी चीज है वो आपने प्राप्त कर ली, उसके बाद में आपको कि भाई क्या करना है, तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज है आत्मविश्वास। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना हो जाना चाहिए कि जो आपने सोच लिया कि मेरे को ये करना है तो वो करना ही करना है, और उसके लिए आपको जुनूनी बनना पड़ेगा। अपने को अपना कैरियर बनाना है, जीवन बनाना है, तो आपको संघर्षरत रहना पड़ेगा। और प्रारंभिक लेवल पे
कोई भी अपन काम करें तो प्रारंभिक लेवल पे 2-4 साल 5 साल खूब मेहनत चाहिएगी, उसके बाद अपने को धीरे धीरे सफलता मिलेगी। इलेक्शन में 2-3 बातें हैं साहब के, एक तो अपन कोई ट्रेडिंग भी कर सकते हैं या कोई इंडस्ट्री लगा सकते हैं। पहले तो एक लिमिटेड मतलब वो रिसोर्सेस थे, लिमिटेड बिजनेस थे। अब आज का जमाना चूंकि वैश्विक स्तर पे अपना देश जा रहा है तो अपने को अपॉर्चुनिटी बहुत है, लोकल लेवल पे भी ढूंढो। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मैं तो यहाँ नहीं, मैं तो विदेशी काम भी करूंगा, कुछ एक्सपोर्ट करूंगा इम्पोर्ट करूंगा, उसके लिए भी सोच सकते हैं, उसमें भी ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं। तो ये सब जो भी आप करें खूब सोच समझ के करें, एक बार अगर उसमें जुट जाए फिर पीछे नहीं हटे। बस मेरा यही है आपसे, अगर आप अगर सच्चे मन सच्ची लगन और ईमानदारी से अगर काम करेंगे तो सफलता को कोई रोक ही नहीं सकता। और इसके लिए आपको चाहिएगी कि एक तो जुनूनी बनना पड़ेगा, दूसरा ऑनेस्टी सबसे पहले, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। व्यापार की अगर आप सोचते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको ईमानदारी का सहारा लेना पड़ेगा। मेरा आपसे यही रहेगा रिक्वेस्ट, और मैं सब आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ इसी के साथ। थैंक यू सो मच सर। वी हैव वन सर्टिफिकेट प्रोग्राम व्हिच इज ऑफर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस एंड जीएसटी प्रोग्राम। इट हैज बीन स्टार्टेड रिसेंटली, सो दोज हु वांट टू टेक एडमिशन इन दिस काइंड ऑफ programs, they can also contact to head department of management. We have department of management here. I would request him to let you understand this. हमने इसी को ध्यान में रखते हुए अभी एक certificate course start किया sir, जो कि 1 year का है और ये total export import business के depends है और पूरा practical aspect इसमें involve किया है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है क्योंकि आप dignitaries आप सभी बैठे हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा encash करना चाह रहा था इस opportunity को कि आप अपने यहाँ पे जितने भी बिजनेस मैन हैं और जो भी एम्प्लॉय हैं आपके डिफरेंट मार्बल्स में और माइंस में, तो इसमें थोड़ा सा ये अवेयरनेस क्रिएट करें। और मैं चाहता हूँ कि हमको भी ये अपॉर्चुनिटी दें, ऐसा प्लेटफॉर्म दें वहाँ पे कि मैं उनको ये प्रेजेंट कर पाऊँ कि हमारे इस इंस्टीट्यूट में आपसे रिलेटेड एम्प्लॉय से रिलेटेड क्या कितने कोर्स जो है वो आपके करियर में बेनिफिट हो सकते हैं, न उनके एम्प्लॉय के लिए बट कि बिजनेसमैन के लिए भी ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और साथ में जीएसटी, जैसा कि मैं जानता हूँ कि हर सेक्टर में इसका इन्वॉल्व है, इंटरफेयर है, तो अगर आपके वहाँ पे जो भी एम्प्लॉई है अगर वो सर्टिफिकेट कोर्स हमारे यहाँ जीएसटी में करेगा तो डेफिनेटली आपके लिए एक बेनिफिट होगा, आपको किसी भी प्रोफेशनलिज्म की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी, कंसल्टेंसी नहीं लेनी पड़ेगी, ऐसा मेरा प्रॉमिस मैं कर सकता हूँ। और साथ में अगर कोई पीजी स्टूडेंट है जो कि और ज़्यादा डिटेल में जाना चाहता है तो एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस, क्योंकि जो जैसे भाई साहब मार्वल से बहुत काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं तो अभी हर यूनिट जो है वो एक्सपोर्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है, और मैं भी शायद मुझे भी लगता है कि प्रैक्टिकली दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग द सच काइंड ऑफ एम्प्लॉई जो हु आर अपडेट विद दिस इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस और प्रोसेस, सो दिस विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल। सो थैंक यू एंड सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन। थैंक यू। एज फार एज द इवनिंग क्लासेस, वी हैव ऑलरेडी रनिंग द एमबीए इन एग्जीक्यूटिव, जो कि जो जॉब में ऑलरेडी जो सर्विस है उन्हीं के लिए हमने डिजाइन किया है, और उसका हम वीकेंड क्लासेस लगाते हैं और बहुत ही फ्लेक्सिबल आवर्स में, और फ्लेक्सिबिलिटी भी हमने कैंडिडेट के ऊपर डाल रखी है कि आपको किस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, हम अपने आप को मोल्ड करेंगे उसके अकॉर्डिंग, ऐसा कोई रिजिडनेस नहीं है। तो यही मेरा मतलब एक थोड़ा सा शेयर करना था, और आई होप कि आप एम्प्लॉय को इस तरह के अवेयर करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉय को वर्क प्लेस से हॉलीडे या कोई भी दिन स्पेयर करना बहुत मुश्किल है, और पर्टिकुलर बीइंग ए बिजनेसमैन कोई भी अपने एम्प्लॉय को उतना हॉलीडे दे नहीं पाता। तो वी विल कंडक्ट द क्लासेस एट व्हेन यू प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म। थैंक यू सर। आई थिंक आप लोग भी इस शब्द से परिचित हो चुके हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। दूसरा एक और जो शब्द है यहाँ पर वो है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंड ई फॉर एंटरप्राइजेस। माइक्रो मींस इसके कुछ फीचर हैं। इन इंडस्ट्रीज का जो क्लासिफिकेशन है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अगर आप आज यहाँ से एक ये टर्म भी लेकर जाते हैं, आपके लिए पूरा इंडस्ट्रीज का एक संसार खुल जाएगा। जब भी कुछ आप सर्च करेंगे इसके आसपास, देखें आप माइक्रो मीडियम स्मॉल एंड लार्ज इंडस्ट्रीज, इनको हम क्लासिफाई करते हैं इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर, निवेश के बेसिस पर। दूसरा, एक और रिसेंटली गवर्नमेंट एक और टर्म लेकर आई है, टर्नओवर। बेसिकली इंडस्ट्रीज को इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के बेसिस पर क्लासिफाई किया है रिसेंटली जुलाई 2020 में। ओके, और ये क्या क्लासिफिकेशन है, ऐसी सभी इंडस्ट्री ऑल इंडस्ट्रीज विच हैज गॉट इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट एंड मशीनरी। सपोज आपने एक इंडस्ट्री लगाई, सीमेंट के ब्लॉक्स बनाने की इंडस्ट्री लगाई, या आयरन फैब्रिकेशन की कोई इंडस्ट्री लगाई आपने, या कोई भी इंडस्ट्री जो आपके मन में आ रही है वो लगा ली आपने। ओके, स्टोन कटिंग पॉलिशिंग का प्लांट लगाया, और उसके लिए हमारे बैंक से, बैंक ऑफ बड़ौदा से आप आए हैं, आपने, इन्होंने आपको लोन दिया 25 लाख। कितना? उसमें एक हमारी स्कीम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, अभी आता हूं वो एकेडमिक पार्ट मैंने बताया, वो तो बच्चों का खेल है, ये हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। उसमें क्या करते हैं, 35% सब्सिडी दे देते हैं आपको। कितनी? अब ये इंटरेस्ट की तो लग नहीं रही है 35, ये किसकी सब्सिडी है? कैपिटल सब्सिडी। कौन सी सब्सिडी? यानी कि जितना आपने लोन लिया उसका 35% आपको मिल जाता है। 25 लाख का 35% कितना हुआ? 8.75 लाख। इसका मतलब आपने लोन तो कितना लिया बैंक से? 25 लाख, और उसमें हमने कितनी आपको सब्सिडी दे दी? 8.75 लाख। तो आपको एक इम्पिटस मिलता है, इंडस्ट्री को एक थर्स्ट मिलता है काम करने के लिए, एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है। यह नीड मनोहर कृतियों का यह विश्वकर्म रंग स्थल है, यह लग रही परंपरा यहाँ ठहरा जिसमें जितना बल है। तो आप बहुत ध्यान से सुना आपने मुझे, ये आरबीआई ने एक घोड़ा चला रखा आर्च भारत आई, आर्च भारत आई तक घोड़ा चला रखा, जिसमें ये हमारे को बताना है क्या क्या करना है। हर साल एक बार वो कुछ न कुछ हमें डिटेल देते हैं, ऐसा नहीं वो ये प्राइवेट कंपनी है जिसमें कोई ब्याज कॉपी जा रही है उसे लोन दो है 5 का 10। मैंने फाइनेंस कंपनी चित्तौड़ में देखी है, 36% ब्याज लगा है, बताओ कैसे चुकाएगा वो, कैसे चुकाएगा वो आदमी 36% लोन दे, ब्याज भी ब्याज कॉपी जा रहा, फिर ब्याज चला नहीं जमा हो रही किस टाइम से 500 रुपये और पिला भी कॉपी जा रहा। तो आप जब भी लोन लेना हो तो ये जो रिजर्व बैंक ने गाइडेंस दे रखी है उसी अधिकार बिल्कुल से निर्देश बैंक ने देख कर रखा प्राइवेट जो भी है उससे लोन लेना। आप जब लोन लेने जाओगे, पढ़ लेके जाओगे, कभी बिजनेस स्टार्ट करोगे तो कैसे क्या करोगे? ऐसा नहीं कि आपने कोई 1 करोड़ का लोन ले रहा है वो एजेंट आ गया आपके घर पर फट से, वो तो कहीं जाने नहीं आपको बैंक में, वहीं से फाइल भरेगा वहीं से करेगा और दुनिया भर के ठोक देगा आपको, तो आना भी यूनिट चलना भी मुश्किल हो जाएगा, ब्याज बहुत महंगा है, ब्याज से मरे जा रहे लोग। फिर दूसरी बात बताइए, इन्होंने समझदार बने, समझदार बनने का मतलब क्या है? उतना ही उधार लो जितना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको 25 लाख का प्रोजेक्ट है आपने फाइल भर दी 50 लाख की, तो वो टेस्ट भी ज्यादा लगेगा, किस्त भी ज्यादा आएगी, कैसे चुकाओगे आप लोग, चुका पाओगे? ज्यादा किस्त आएगी, ज्यादा ब्याज, परिवार कैसे चलाओगे? आपकी खर्चा कितना है परिवार का, लाइट बिल, ये खाना पीना सारा रहना, तो आपको जरूरत बन है उतना ही लोन ले। अच्छा, लोन लेने के बाद जैसे आपने 25 लाख की फाइल भरी कॉस्ट यूनिट की, तो 25 लाख उसी में खर्च करें, ऐसा नहीं कि आप गाड़ी घोड़ा लाए नहीं लाए वो लाए अननेसरी कहीं खर्च कर दिए तो वो यूनिट नहीं चलेगी, क्यों नहीं चलेगी? आपने दूसरी जगह यूज कर लिया, पैसे को धंधे में नहीं लगाया, नहीं चलेगी ना। तो रिजर्व बैंक कह रहा है कि उसी में रहो, जितना चाहिए उतना ही लोन लो, ज्यादा मत लो, ज्यादा पैर मत पसारो, आपको दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तीसरी बात ये क्या कह रहा, जिम्मेदार बने, ये क्या कह रहा, जिम्मेदार बने। अब जिम्मेदार में क्या है, अपनी जो किस्त है टाइम से जमा करो,
एनपीए नहीं होने दें। जो आपकी सिविल है, एनपीए होता है आपकी सिविल खराब हो जाएगी, लोन नहीं मिलेगा कभी भी। सिविल की रेटिंग हम देखते हैं, बैंक में आप आओगे तो हम क्या देखेंगे, पहले आपकी रेटिंग देखेंगे। रेटिंग आपकी अच्छी है तो आपको इंटरेस्ट रेट में छूट भी मिलेगी 1%। अगर रेटिंग खराब है आपकी तो आपके ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगी। तो ये आरबीआई कह रही है कि लोगों को इस तरह से समझाओ, समझदार बने, होशियार बने और समझदार बने। अब मैं बताऊंगा आपको बीमा के बारे में। बीमा के बारे में पता है आपको, जो बैंक प्रधानमंत्री जो बीमा कंपनी बीमा के बारे में, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है ध्यान में नहीं होगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 2 लाख का बीमा है, ठीक है, एक्सीडेंट होने पर ही है। 18 से 67 साल का कोई भी करा सकता है, कभी भी कुछ भी हो जाए। एक बार आप जाओगे पासबुक लेके, आधार कार्ड लेके, अपना खुद का पासबुक, आपका खाता सबका है, ये आधार कार्ड ले जाओगे। अब किसके नाम से नॉमिनी उसका आधार कार्ड लेना पड़ेगा, और नॉमिनी के लिए जाएगा जो इसका, तो दोनों जाओगे, दोनों का इंटरनेट हो जाएगा। साल के खाली 12 रुपये कटेंगे, ज्यादा नहीं कटेंगे, और 2 लाख मिलेंगे। कोई भी बात हो जाए, अब चले जाएगी, कुछ न कुछ घटना होगी तो पीछे वालों को फायदा होगा। ऐसा तो कुछ होता नहीं, भगवान करे नहीं आपसे आपका। अब दूसरा बीमा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा। प्रधानमंत्री ने स्कीम निकाली और पीछे निकाली, तो उसमें 330 रुपये का बीमा है, उसमें भी 2 लाख मिलेगा, उसमें 2 लाख मिलेगा। लेकिन वो एक्सीडेंट किसी भी तरह से साफ कर दिया, गिर गया, पड़ गया, कैसे भी बीमार होके, उसमें 2 लाख बीमा, इसमें सभी तरह की कवर है, ये भी साथ के। अगर दोनों बीमे हैं आपके तो 4 लाख रुपये, ठीक है। ये जैसे बड़ी बड़ी कंपनी वाले जैसे है, तो इसके लेबर के हैं, इनके बीमे करावे ताकि वो कभी कुछ हो जाए तो अपने को रिस्क कम है, ठीक है। तो आपका सिविल स्कोर बढ़ाना, ये ध्यान रखना, अपना प्राइवेट बैंकों से जो अधिकृत बैंक है उससे लेना, और ये जितना चाहिए उतना ही लेना, ज्यादा मत लेना, और टाइम से चुकाना किस्त, ठीक है, सिविल खराब नहीं करना।